अरे मैंने बिक्की को भी समझाया 15 दिन रह गए, झगड़ा मत करो, प्यार से रहो, लेकिन अच्छे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, जुबान भी तो अच्छी होनी चाहिए। किसी ने कहा बाइल कार्ड में एंट्री हमारी, हमने कहा भैया हमें माफ करो। जिस दिन तुमने लात मारी थी ना, पापा ने तुरंत तुम्हारी मम्मी को फोन किया, तुम क्या अपने पति को ऐसे ही लात मारती थी? हीरोइनों से शादी करने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब जाके कहीं शादी करती हैं। पापा कहाँ से देखेंगे टीवी, तुम लोगों की लड़ाई देख के पापा का कलेजा फट जाता है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ये सब। हम तेरे को क्या समझाएं बिक्की, तू तो पूरे घर को संभालता है बेटा। हमें मालूम था हमारे अंकिता बहुत होशियार है, पूरा हैंडल कर लेगी, पर यहाँ तो पूरा गेम ही विपरीत हो गया बेटा। ए, हमें सुनने दो, हम देंगे उत्तर उसका। हाँ हाँ, हमने बिक्की को भी बोला, तूने अंकिता को छूट दे दी ना बेटा, अब चाहे अंकिता की गलती हो, रिश्ते तो तुझे संभालने चाहिए थे ना बेटा। कि अपने रिश्ते को जो तूने एक बार हमें बोलने, तो फिर आप बोल लेना। तुम्हें पता है ना बेटा हमारे परिवार कितना बड़ा है, हम किस किस को जवाब देते घूमेंगे, हमारे यहाँ पतियों को देवता माना जाता है, सर पे बैठाया जाता है। चाहते तो हैं, लेकिन अब अंकिता उस रेस में खड़ी है, तो ठीक है सह लेंगे, कोई बात नहीं।